कौड़ीराम पुलिस ने किया कीमती बैग को बरामद। कौड़ीराम गोरखपुर। रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने जा रही गुड्डी देवी पत्नी राकेश निवासी कैदहा बुजुर्ग थाना गगहा जनपद गोरखपुर के द्वारा चौकी कौड़ीराम पर आकर सूचना दी गई कि वह टेम्पो में बैठकर रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने जा रही थी कि उनकी कीमती बैग जिसमें सोने का कीमती सामान व 5,000 रुपये नकदी था जो ऑटो में छूट गया है। चौकी प्रभारी कौड़ीराम इत्यानंद पांडे व कांस्टेबल वाल्मीकि प्रसाद गौड़ द्वारा सीसीटीवी कैमरे में मदद से ऑटो का नंबर खोजकर मात्र 1 घंटे में कीमती बैग को सकुशल बरामद कर गुड्डी देवी को सुपुर्द कर दिया गया। किरायेदार ने ताला की चाबी बनवाकर उड़ा दिया जेवरात। गोला गोरखपुर। उपनगर गोला के वार्ड संख्या 8 की निवासिनी विमला ने तहरीर में कहा है कि बीते सितंबर माह में मेरे घर रहने के लिए 2 किरायेदार आए। हम लोगों ने प्रथम तल पर उन दोनों को अलग अलग कमरा दे दिया। वे लोग अपने परिवार के साथ रहने लगे। बीते 2-3 माह से वे लोग किराया नहीं दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें मकान खाली करने के लिए कहा। उसमें से एक किरायेदार 28 जनवरी को निकल गया जबकि दूसरा उसके अगले दिन 29 जनवरी को मकान छोड़कर चला गया। उसके एक सप्ताह बाद पहले किरायेदार ने आकर बताया कि अपने ऊपर के कमरे में रखा सामान चेक कर लीजिए। दूसरे किरायेदार आपके बंद कमरे के ताला की चाबी बनवाकर कीमती सामान उठा ले गया है। जब ताला खोलकर देखा गया तो कमरे के संदूक में रखा हार पाजेब कान की झाली नथिया 2 अंगूठी व बड़ी LED टीवी गायब थी। इस संबंध में थानाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह का कहना है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाबालिग को भगाने का आरोपित गिरफ्तार। गोला गोरखपुर। SSI राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बीते वर्ष थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने आजमगढ़ जनपद के जियनपुर थाना क्षेत्र के बरहरपुर निवासी आशीष साहनी उर्फ बेचन पुत्र गुदरी पर अपनी नाबालिग पुत्री को भाला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर आरोपित की तलाश कर रही थी। रविवार को सुबह मुखबिर की सूचना मिली कि नाबालिग के साथ आरोपी छितौना मोड़ पर खड़े हैं। सूचना पर पहुंचे SI जयराम यादव ने हिरन यादव वरुण पांडे सुंदरी कुमारी ने गिरफ्तार कर लिया। बंद घर में नकदी सहित हजारों की चोरी। हाटा बाजार। कगहा क्षेत्र के डेमुसा गांव के मठिया टोला में शनिवार की रात सुमिरन साहनी की बंद मकान में छत के रास्ते घुसे चोर नकदी गहने सहित हजारों सामान उठा ले गए। सुमिरन साहनी मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी ममता बच्चों को लेकर गोरखपुर स्थित मायके गई थी। सुबह ग्रामीणों द्वारा घर में चोरी होने की जानकारी पाकर घर पहुंची पीड़ित ममता ने बताया कि चोर बाक्स व अलमारी का ताला तोड़ गहने 10,000 नकदी राशन सहित कपड़े आदि उठा ले गए। पीड़ित ने चोरी की सूचना गगहा पुलिस को दी। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची थी। बन क्या नाम है चाची? ममता। कहाँ घर है? मठिया। थाना का पड़े फोन? गगहा। का दिक्कत बा? दिक्कत बा कि माला गायल बा, दूठो चोरी हो गयल बा। हाँ चोरी हो गयल बा। क्यों घर पे नहीं रहा? नहीं के नहीं घर पे रहा है। ताला बंद रहा? हाँ ताला बंद रहा है। नीचे सुपल में ताला बंद रहा है। लगभग का गयल बा चोरी में? चोरी में हमारे दूठो माला गयल बा, एठो अंगूठी गयल बा, 10,000 रुपया नगद गयल बा, फिर कब 3 ठो कम्बल गयल बा, 2 बाइक गयल बा, 4 ठो लुगा गयल बा, 1 बोरा चाउर गयल बा। तो पुलिस वुलिस का सूचना दे ले रहा है? हम तो नहीं सूचना दे ले, साहब का बोला वाला सब रहा है, शायद दुकान पर फोन करने हैं सब प्रधान के लगे। पत्रकारों ने व्यक्त किया शोक। गगहा। हटवा गगहा निवासी 75 वर्षीय मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार की त्रयोदशी पर उनके यहाँ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश गोविंद राव के साथ संगठन में जुड़े सैकड़ों पत्रकार गहरी संवेदना व्यक्त करने दोपहर में पहुंचे, जिनका आभार उनके पुत्र प्रवीण कुमार सिंह तथा सुभाष सिंह पत्रकार बास्क और संदेश गोरखपुर ने व्यक्त किया। संवेदना व्यक्त करने वालों में बृजनाथ तिवारी, सुभाष सिंह, अजय जायसवाल, प्रहलाद मौर्य, मनोज मिश्रा, कृपा शंकर सिंह, दीपक सिंह सहित स्थानीय लोग एवं सज्जन प्रमुख रहे। अजगर निकलने से लोगों में हड़कंप। गोला गोरखपुर।
उपनगर गोला के वार्ड संख्या 11 में धूप सेकने निकले अजगर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में लोगों ने वन विभाग को सूचना दे दिया, लेकिन वह तब तक खिसक कर झाड़ी में छिप गया। लोगों ने अजगर को पकड़वा कर सुरक्षित करने की मांग की है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह अजगर सरयू नदी की तलहटी में 3-4 दिन पहले ही आकर छिपा हुआ है। इसे 1-2 दिन पहले भी देखा गया है। कुछ लोगों ने उसी दिन इसकी सूचना वन विभाग को देने के लिए कहा था, लेकिन कई लोगों ने मना कर दिया। सुबह धूप होने पर अजगर बाहर निकला तो उसे देखकर लोग डर गए। इस संबंध में वन रेंजर ज्ञानेश्वर शुक्ला का कहना है कि उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। विधायक ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क। बढ़लगंज चिलोपार विधानसभा की विधायक और सपा प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी ने दुवालो न्याय पंचायत में चुनावी दौर करते हुए बिमटी अटवली कुलदवा बारी सकतपुरा मकरंदपुर में जनसंपर्क किया। कुलदवा बारी में खालिद रब्बानी के यहां एकत्रित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और चिल्लूपार की जनता भी विकास के रास्ते चलते हुए अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। जनसंपर्क में अहमद हुसैन, अतीक अहमद, सुनील दुबे, संजय दुबे, प्रदीप दुबे, सुरेश यादव, जयराम यादव, संतोष सिंह, महेश सिंह, विनय सिंह आदि उपस्थित रहे। बिन मौसम बरसात से किसानों की दलहन आलू की फसल बर्बाद। बिन मौसम बरसात से किसानों की फसल दलहन आलू बर्बाद हो रहा है। किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों में मातम छाया हुआ है। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ फसल बर्बाद होना किसानों के लिए परेशानी का सामना है। मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, यारे में बारिश हो रही है, फसलों तो क्या देख रहे हैं, क्या किसानों का नुकसान हुआ है? किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दलहन की फसलें, आलू की फसलें काफी बर्बाद हुई है। खंड विकास अधिकारी ने किया खेलकूद मैदान का निरीक्षण। गगहा गोरखपुर गगहा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा बेलपार में मनरेगा योजना से बने पहले खेलकूद मैदान का निरीक्षण खंड विकास अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह ने किया और निरीक्षण के दौरान वहां बच्चों को बैडमिंटन खेलते देख ग्राम सभा बेलपार और ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ अपने खुद बैडमिंटन मैच खेला तथा ग्रामीण युवाओं ने कुश्ती कला प्रदर्शन किया। खंड विकास अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि गोरखपुर जिले में 100 खेल कूद मैदान मनरेगा योजना के अंतर्गत बनवाने का लक्ष्य था, जिसमें गगहा ब्लॉक को 5 खेल कूद मैदान बनाना था। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि हरे कृष्ण द्विवेदी, खंड विकास अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी आशीष सिंह, APO राजेश सिंह सहित अनेकों ग्रामवासी मौजूद रहे। सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करना छलावा है। गगहा सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करना छलावा है। इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है, जिससे किसानों को ठगा महसूस करे। सरकार जो कर रही है कि हम आय दोगुना करेंगे, दोगुना के आय दोगुना करने के नाम पर किसानों को केवल छला गया है। उनकी जो है लाभकारी मूल्य नहीं मिला और यूरिया और DAP में जो 45-5 किलो कटौती करके उन्होंने जो है 45 किलो की बोरी जो किसानों को दे रहे हैं, कटौती किए हैं, उसमें से उसी को काट कर उन्होंने दे रहे हैं। किसान बिल किसान विरोधी थी। किसान नेता प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि किसान बिल किसान विरोधी थी, उससे किसानों को काफी नुकसान होता है, किसान परेशान व हैरान होते। किसान निश्चित तौर पर उनके गुलाम हो जाते जो कांटेक्ट खेती वाला था। तो कांटेक्ट खेती में इस तरह से वो अपना फसल बोने के पहले कांटेक्ट करते, कांटेक्ट करने के बाद वो कहते कि इस फसल को आप आलू बोइए, आलू बोने के बाद किस तरह से करिए, क्या करिए, और इस तरह से जब आलू का उत्पादन हो जाता तो उसमें तमाम चीज़ें जो है, जैसे इसके पीछे उदाहरण तमाम है कि आलू साइज सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इसलिए हम आलू नहीं लेंगे। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक मसला, एक एक्ट ये भी है कि वो किसी दूसरे को बेच भी नहीं सकते। तो ये बताइए कि जो है उस स्थिति में किसान क्या करता है। तो इस तरह से तीनों कानून, तो
मुख्य रूप से किसान विरोधी था, किसानों को गुलाम बनाया।